हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार यहाँ पे बहुत ठंड है, इसलिए मैंने देखो डाटू डूटू भी पहन लिया है, क्योंकि हमारी कैप नहीं है। कैप घर पे डाटू लेके आई थी, मैंने सोचा कि कैप ले लूँगी, लेकिन दिमाग से निकल गया। लेकिन अब जब ठंड लग रही है तो मैंने डाटू लगाया है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है, 6 बज रहे हैं और हम सोनमर्ग से आगे निकल गए हैं। इस टाइम हम पहुँच गए हैं जोजिला पास, और रास्ता बहुत ऐसा ऐसा है, मतलब उतना ख़राब नहीं है जितना सुना था, या पता हो सकता है आगे हो, लेकिन सड़क थोड़ी ऐसी है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, सारे पहाड़ दिख रहे हैं और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है हम। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जोजिला पास, और यहाँ का व्यू अल्टीमेट है यार, ऑसम लग रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये वादियाँ, क्या ही बोलूँ। हाँ, अगर रास्तों की बात करें तो उतने बुरे नहीं हैं जितने कि हमने जैसे वीडियोस देखी थी जाने से पहले, तो उसमें बताया हुआ था कि काफ़ी टफ है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर बारिश होती तो ऑब्वियसली डर लगता, क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, ये थोड़े अलग से हैं, ऐसा लगता है कि ये मिट्टी नीचे आ जाएगी। तो बारिश में तो होता ही है ना, लैंडस्लाइड होते हैं, तो उस चीज़ का डर लगना था। लेकिन हमारा गुड लक ये था कि उस दिन बारिश नहीं हुई। इतनी बुरी सड़कें हमने सुनी थी वैसी नहीं है, ठीक है, जाने वाला है। वो यार क्या बोल दे, क्या हुआ, गड्डी तो दूसरे गियर में चली रही। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हर एक जगह का, हर एक बंदे को अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम, मैं अगर अपने इस ट्रिप की बात करूं तो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गया। जब हमारा जो फर्स्ट डे था, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो हम सोनमर्ग से निकल गए हैं लेह के लिए, और रास्ते में पड़ता है एक जोजिला पास, और हमने सुना था कि वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। हमने वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखी हुई थी और डर भी था मन में बहुत ज़्यादा, लेकिन भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया कि उस दिन बारिश नहीं हुई। क्योंकि बारिश हो जाती ना, तब तो यार डर लगना ऑब्वियस था, क्योंकि आप सड़क देख पा रहे हैं, इतनी कंजस्टेड है, ऊपर से ये पहाड़ तो देखो, ऐसा लग रहा है ना कि मिट्टी मिट्टी इकट्ठी होकर पहाड़ बनते हैं ना, फिर उनका लैंडस्लाइड होता है, उस तरह के पहाड़ अलग से थे ये। और उस दिन बारिश नहीं हुई, तो हमारा तो ये दिन अच्छा गया और हमने अच्छे से जोजिला पास क्रॉस कर दिया। तो जब भी आप इस साइड से गुजरो ना, तो आराम से, ध्यान से, क्योंकि यार सड़क देखो कितनी कंजेस्टेड है, अगर यहाँ से थोड़ी सी नज़र हटी ना, तो सीधा नीचे पहुँचने वाला। देखो नीचे बेस कैंप है ना, ये बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल खड़ा जैसे होती है ना, उस तरह से। और नीचे से जब हम सोनमर्ग से आगे आ गए, तो ऐसे ऊपर ऊपर कोई हमारा रास्ता जा रहा था। अभी हम जब जोजिला पास क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये चढ़ाई चढ़ाई है ऊपर को। जब हम ये पास क्रॉस कर रहे थे, तो बीच में ऐसा रास्ता था जहाँ से कि पत्थर गिरे थे, लेकिन हमने वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे चलते रहें और ऊपर से आ ही जाए बड़ा वाला पत्थर। तो इस वजह से बस उस जगह हमें डर लगा था थोड़ा सा, लेकिन बाकी आगे ठीक था। कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। बस पत्थर पुत्थर ना गिरे ना, बाकी तो सब बढ़िया है। ओ यार,
ओ यार तूने मेरा फोन लगा दिया। बहुत ठंड है यार और ये पहाड़। नीचे वो स्कीइंग हो रही है वहां पे। अभी तो खोली नहीं है उन्होंने मोटर वगैरह। बाइक्स हैं दूसरी यहाँ पे टेढ़ी नहीं टेढ़ी जाए सोनमर्ग का कितना था। तो चलो किधर चलते हैं? इतने फास्ट क्या चल रहे हो ट्रक? ओ बुना ही जाओ। मैं तेरे को बोल तो रहा था कि यहाँ पे स्कीइंग करते हैं। देख ये वो है मोटरें हैं ये छोटे छोटे टैंक्स हैं। ओए नीचे तो पानी है थोड़ा थोड़ा। प्रेन इनमें वो रखी है मोटर। ये शायद 0 पॉइंट बोलते हैं यहाँ को। ये जो ऊपर क्यों खड़े हो गए हमारी गाड़ी के पास? ये जो ऊपर टॉप नहीं दिख रहे हैं तेरे को, ऐसे ऐसे टॉप पे छुपे थे दुश्मन। फिर सोच की होनी हरी लड़ाइयाँ। चल आजा चाय भी लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने पी चाय और ये है हमारी गाड़ी। यहाँ पे दोनों साइड पहाड़ हैं और बहुत सही नज़ारे हैं। यहाँ पे इस शॉप पे हमने चाय पी और हमारी गाड़ी इधर है। ओह अभी भी सोई है। ये ना बाहर नहीं निकली क्योंकि इसको ठंड लग रही है। और यार सीरियसली बाहर इतनी ठंड है और मुझे ना कैब की बड़ी वो हो रही है कि हमें ना कैब लेके आनी चाहिए थी, खरीद लेनी चाहिए। क्या हुआ बेटा? तो चलो गाड़ी में चलते हैं। चाय जो पी लिया अब हमने। और यार देखो सूरज भी, देखो ये सूरज भी निकलने का नाम नहीं ले रहा। अभी हम जो जिला पास क्रॉस कर चुके हैं, आगे लेक की तरफ निकल गए हैं और पीछे सारे बर्फ ही बर्फ पूरे रास्ते में। अब आगे जो लेक के लिए रास्ता है वहां पे चिराग कोई बर्फ नहीं दिख रही हमें, है ना? बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्रीनरी दिख रही है लेकिन पेड़ नहीं है यहाँ पे। हाँ यार इधर तो है बर्फ, एक एक पॉइंट पे नहीं थी। और यहाँ पे तो चिराग आर्मी भी है। हमें लगा यहाँ पे बर्फ खत्म हो गई, आगे बर्फ नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा एरिया है ये वाला जहाँ पे नहीं थी। बाकी अब ये आर्मी एरिया हो गया शुरू। गुड मॉर्निंग गोवी। अच्छा ठीक है ठीक है, सो जा। चिराग यहाँ पे अभी एंट्री करवाने गए हैं क्योंकि यहाँ से आगे कारगिल का एरिया शुरू हो रहा है तो उसके लिए एंट्री करवानी पड़ती है। तो बस मैं और वो गाड़ी में और चिराग एंट्री करवा के आ रहे हैं। लद्दाख पुलिस पुलिस पोस्ट मीनामार्ग। क्या बोला? ये नीचे नदी है। द्रास। द्रास नाम तूने कहाँ सुना है? पता नहीं यार। कारगिल बैटल स्कूल है अंदर। द्रास है ये। द्रास कारगिल है। सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। ये सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का जहाँ पे दुनिया बसती है, पता है? अच्छा
ये जो एरिया है ये द्रास का एरिया है और यहाँ पे काफी बड़ी मार्केट है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। कारगिल वॉर मेमोरियल हम यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या है। और यार इतनी ठंड है। में यहाँ पे पहुंच गए, रात को भी इसी में सोए। यार ज्यादा दिन का ट्रिप होना तो कपड़ों की बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऊपर से हम तीन तीन है। हाँ जी बेटा चलो अंदर। यहाँ पे आईडी लेते हैं अंदर जाने के लिए। हैं आपने जय हिंद बोला उनको? जय हिंद बोला, इधर आ जा। एंट्री कर रहे हैं ना पापा उधर, चिराग वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पे आईडीज देख रहे हैं। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी वो जो वहाँ पे रेड कलर का लगा हुआ है ना, वहाँ पे अलाउ नहीं अंदर जाना, जहाँ जहाँ पे वो लगा हुआ होगा। और आर्मी के जो है उनके साथ फोटो खिंचवाना भी अलाउ नहीं है। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ये थे वो जो उसका नहीं, अजय देवगन ने नहीं किया LOC में, वो हैं ये बत्रा साहब हमारे पड़ोसी। ये ना जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो ये शहीद हो गए थे, ये जितने भी हैं ना ये सारे, और ये हमारी हमारी हिमाचल के हैं। आ गई आपको स्टोरी समझ? हाँ इसको समझ आ गई सारी स्टोरी, इसने अंदर सबको देखा। और कहती है जो छोटे छोटे फ्लैग हैं ये जो बड़ा इंडिया का फ्लैग है उसके बेबीज हैं छोटे छोटे। इसने कैप्टन बत्रा को भी देखा है? जो हमारी हिमाचल के हैं उसको देखा इसने अच्छे से फोटो। जो गन्स थी, राइफल थी, बम के पार्ट थे लड़ाई में। जितने भी लोग शहीद हुए ना उन सब की याद में ये बनाए हुए। यार कितने लोग हुए हैं, बैटल ऑफ चोटिला। और उस साइड टाइगर हिल है जो यहाँ से दिखने लगी है, मैं पीछे से दिखाती हूँ। ये उधर सामने म्यूज़ियम है, यहाँ पे जितने भी लोग शहीद हुए हैं या जो भी पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनसे रिलेटेड जो भी सामान मिला वो सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके अंदर सब कुछ लगाया हुआ है। अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउ नहीं है इस वजह से अंदर बना नहीं पाए। और ये जो साइड है ना वहाँ पे आर्मी के थे खड़े हुए, उन्होंने बताया कि टाइगर हिल की धुंध है, बैड लक आपको दिखेगी नहीं अभी। यहाँ पे अंदर बैठना अलाउ नहीं है, बस चलते रहो देखते रहो फोटोज लेते रहो। और जो मैंने बताया ना हट ऑफ रिमेम्बरेंस का जो है, ये जो हट है दिखाई हुई इसके अंदर फोटोज वीडियोज कुछ भी अलाउ नहीं है। बस चले अब।
आए थे घूमने पर यहाँ पे रुक गए हम कारगिल वॉर मेमोरियल में, और ये दोनों माँ बेटी रोने लग गए हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ है, पापा रो रहे हैं दोनों। क्या हुआ नीनू? चुप हो जा। ओ देखो अबू को, देखो आंखें भर गई हैं इसकी। ऐसे ऐसे देशभक्त रहते हैं मेरे साथ। यहाँ पे आना चाहिए। आपको अच्छा लगा अंदर? अंदर अच्छा लगा आपको? इसका मूड नहीं है। हम यहाँ पे घूमने आए थे और रास्ते में कारगिल वॉर मेमोरियल यहाँ पे गए, क्योंकि यहाँ पे जो कारगिल वॉर हुई है उससे रिलेटेड मतलब हर चीज़ अंदर है, और जो शहीद हुए हैं उनके भी वहाँ पे उनकी याद में मतलब जो क्या बोलते हैं उसको वो रहे हुए। लिटरली इतना इमोशनल था ना अंदर, उन्होंने वीडियो भी दिखाई, और जैसे मतलब वो जो हट था ना वहाँ पे जहाँ पे उनके बारे में बताया हुआ था कि जो शहीद हुए जो भी, मतलब इतना इमोशनल, अंदर जाते ही बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है। और मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ पे रास्ते में है और अंदर जाके ऐसा कुछ, लेकिन बहुत इमोशनल था। मैं तो उनके बारे में सोचती हूँ जिनकी फैमिलीज का वो सब हुआ जो भी था। अच्छा लगा आपको इंडियन आर्मी? अच्छी लगी? ये भी रोने लग गई, इसको भी समझ आ गया। आई एम नम हॉस्पिटल से लिखा था, मतलब बता दिया था कि बचेंगे नहीं, तो उसने लिखा था फैमिली को लेटर, और उसने लिखा था फैमिली कि भाई अगले जन्म में अगर मैं आया तो फिर से आर्मी में आऊं। हो गया। अरे धुआं नहीं है, वो जलाया हुआ है, यहाँ पे कुछ बनता होगा, रेस्टोरेंट है ये। चिराग तुम बिना डरा देते हो कि आग लगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी बाहर निकलते हैं। सिमसा सिमसा भी ले जाना, ये ओ लिखा हुआ है भाई सिमसा पार्किंग। ये यहाँ पे सिमसा कुछ बोलते हैं वो विलेज शुरू है, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जा रहे हैं हम मैगी और चाय ये सब खाने, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। और ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इसके नीचे ये रेस्टोरेंट बना है, इधर रिजॉर्ट भी है, इधर बड़ा सही है। क्या हो गया बेटा, क्यों बैठ गए आप? नीचे गिर जाओगे, उठ जाओ, चल आ जाओ, पापा भी आ रहे हैं, हम चलते हैं। हाथ दे, हाथ दे अपना। और वहां पे नदी है, बाद में लेते हैं इसकी वीडियो। थैंक गॉड यहाँ पे प्योर वेज मिला कुछ। चलो कहाँ पे बैठना, उस साइड? अच्छा चलो आ जाओ। चेयर कितनी कलरफुल है, होगी आ जा, धुआं आ जाएगा अंदर। ये क्या जलाया हुआ है बाहर? अच्छा अच्छा ठीक है जी, बोलो कहाँ बैठना। ये देखो ये नदी जा रही है, और इतने तेज बहाव के साथ है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मैं कितने जोर से बोल रही हूँ। लोग ना ऐसे फेंक देते हैं गंद, इतनी तेज बहाव के साथ। और ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है, और हमने जहाँ पे अभी अपना ब्रेकफास्ट किया वो ये सामने है, और बहुत सही खाना था भाई यहाँ का, मेरे को तो बहुत सही लगा। बाकी जगहों के कंपैरिजन तो लाखों हजारों गुना अच्छा। ये है ये, तो जो भी इस साइड से आए और खाना खाना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, सीरियसली यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वॉशरूम, रास्ते में कहीं पे भी वॉशरूम नहीं थे ढंग के, और यहाँ पे अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम, और खाना भी बहुत अच्छा, मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। अब चलो अब चलते आगे की तरफ, बहुत लेट हो गया हम, नहीं तो हम लेह में बहुत लेट पहुँचेंगे। कटरे पत्थर है, ये सारा रास्ता ऐसा ही है,
बस रास्ते बिल्कुल ठीक है, बस ये जो पहाड़ियों से ना बड़े बड़े पत्थर हैं इनका लगता है डर कि ये ना गिरे। एक दो गिरे भी तो रास्ते में पापा। बेटा देखो वो आगे देख कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बिना बर्फों के पहाड़। छोड़ दी तुमने लगे ना, वो गाड़ी में कुछ पत्थर लगा यार, चल पड़ती है क्या? क्या बोलता है बेटे, बोलता है ना तो नहीं देखा? हाँ जी चलता है गाड़ी, चलता है बेटे। नहीं मैंने कहा ऑन है गाड़ी ना। हाँ हमने तो सोचा हमने गाड़ी चलता है बोलता। हाँ कैसे ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है बेटे, ओरिजिनल ओरिजिनल डुप्लीकेट कौन है? कितने का है ये? अलग अलग क्वालिटी है। है कितने का? केसर 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 यार टूट जा रहा है, ब्रांड टूट रहा है। ये ले ले, एप्रिकॉट ले ले। मैडम कहाँ से? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ये कितने का है पैकेट? 320। वो पीछे 300 बता रहे हैं। बहुत अच्छा है। और ये भी तो एप्रिकॉट ही है। हाँ ये भी है। ये 300 ये काले वाला है, ये तो बहुत ज्यादा सूखा हुआ है। और ये चीज खुमानी सूखा है, सब सूखा है। ये खुमानी देखो पति सब, ये भी ये कितने की है? ये 6 रुपए किलो। ये भी एप्रिकॉट ही है? ये भी एप्रिकॉट है। पीछे 300 के बता रहे हैं आप, 320 का बता रहे हो? ये क्या 300 वाला है? एप्रिकॉट ये अलग क्वालिटी, अलग है ना मेरे, अलग अलग क्वालिटी है ना। और ये क्या है? खुमानी बिचाल भाई आपके सामने, खुमानी तेल, खुमानी का, खुमानी का तेल। ये किस काम आता है? ये बालू में, जोड़ों में। अच्छा अच्छा, ये कितने का है? चलो आगे देख लेंगे, एक पैकेट ले लेते हैं। पर कितने का लगाओगे? अगर लेना है तो ये ले लो, ये 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 क्या है? कितने का लगाओगे आप पैकेट? महंगा लगा रहे हो, पीछे भी 300 छोड़ के ना उधर जाके ना 950 किलो हो जाएगी। ये है कितना? आधा किलो। पैसे तो मैं डाले नहीं है। नीनू बादल आ गए, बादल श्रीनगर से। सोनमर्ग, हाँ द्रास। ये सारे जितने भी ट्रीज है ना ये खुमानी के हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, बाय, नमस्कार। ये नीचे ये भी खुमानी है, ये वाले जो पेड़ है ना ये खुमानी के हैं ये। और ये जो लकड़ी है कितने प्यार से करके बनाई हुई है ना, मेरे को ना ऐसी लकड़ियों का जो स्टूल बनता है बैठने के लिए मेरे को बड़ा पसंद है। चलो चलते हैं, ये आर्मी की गाड़ी।
ये पता कौन सा स्टेशन है नीनू? 90.8 धड़कन कारगिल की। फोन तो चलते नहीं है, रेडियो का मजा अपना ही है यार। वो देखो लगाया ना 98.8, हमें भी तभी पता लगा ना साइड में लगाए थे। चाह रहे हैं शिकार के। कारगिल का नाम सुन के बस युद्ध ही आ जाता है वैसे, है ना? सही बात है यार, जगह का तो पता है। मैं तो इन लोगों का सोच रही हूँ ये कब ये कहाँ गए होंगे। तब ये बंकर में थे, कईयों को सेफ हाउस शिफ्ट कर दिया था। यार कश्मीर में तो ये चीज थोड़ी है, अगर 100 रुपए का खर्चा है तो 50 रुपए, अगर अच्छा लगा तो टिप दे दो 50 रुपए। वहाँ पे किसी को ये मत बोलना कि हाँ हाँ आपने तो बहुत अच्छा किया, नहीं तो टिप देनी पड़ जाएगी और लेके ही मान लेंगे। ले ले। अच्छा ये कारगिल के लिए जाता है उस साइड ना? हाँ? दूसरी साइड कारगिल के लिए था, ये ले के लिए है पटाली। ये देखो ये कारगिल है, हम कारगिल नहीं गए, हम साइड में से ले वाली साइड आ गए। यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है कारगिल, और ये कारगिल के ऊपर वाली पहाड़ी है। और ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, अब हम ले की तरफ चल दिए हैं। बहुत बड़ा है यार कारगिल। ये सारी ये मार्केट ये सारा, हमें लगा ये थोड़े से एरिया में ही होगा, लेकिन कारगिल तो बहुत बड़ा है। और कारगिल वाली साइड ना ऐसे वाले फ्लावर्स बहुत हैं, पता नहीं लेकिन है किस चीज़ के ये। अब हम चल पड़े हैं ले वाली साइड, कारगिल हम नहीं गए, काफ़ी दूर है यहाँ से, काफ़ी नहीं बहुत दूर है। तो चलो अब बिना देर किए मैं चलती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ। और ये हमारे चिराग जी,